नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं AS अकेडमी। और दोस्तों आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में संज्ञा और सर्वनाम। दोस्तों संज्ञा सर्वनाम आज हम आपको इस प्रकार से बताएंगे कि आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको कंप्लीट हम इसमें करा देंगे दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे हम कि आखिर संज्ञा की परिभाषा क्या होती है। तो जो संज्ञा की परिभाषा होती है, जिन शब्दों में किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी, गुण या भाव आदि का बोध होता है, उसे हम संज्ञा कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे व्यक्ति। व्यक्ति मतलब कोई मनुष्य का, या स्थान यानी जैसे कोई जगह है, इसके प्राणी कोई गुण है किसी का, या किसी का भाव है, इन चीजों का बोध होता है, वहां पर क्या होती है, संज्ञा होती है, ठीक है। अब हम ध्यान रखेंगे इस बात का कि आखिर इसके भेद कितने होते हैं, इसके प्रकार कितने होते हैं, उसको हम थोड़ा विस्तृत पढ़ेंगे और उसकी एक एक चीज को हम पॉइंट को नोट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले संज्ञा की मैं बता दूं, पांच प्रकार होते हैं। संज्ञा कितने प्रकार की होती है, संज्ञा पांच प्रकार की होती है। तो संज्ञा में जो पहली संज्ञा होती है वो होती है जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा की बात करेंगे तो जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो दोस्तों जातिवाचक संज्ञा से यानी ऐसे शब्द जो एक ही प्रकार की अनेक वस्तुओं का बोध होता है, यानी जातिवाचक संज्ञा में एक ही, आपको ध्यान रखें, जातिवाचक संज्ञा में एक ही प्रकार की अनेक वस्तुओं का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब ध्यान रखना, एक ही प्रकार की अनेक वस्तुओं, जैसे जब एक ही प्रकार की अनेक वस्तुएं, जैसे आपने बताया कि कोई नदी है, अब नदी में नदियां यानी नदियां बहुत सारी हो गई दोस्तों। अब इधर पे जैसे उन्होंने बोला पहाड़, तो पहाड़ भी बहुत सारे हो गए। तो एक ही प्रकार की अनेक वस्तुओं का जहां बोध होता है उसे कहते हैं हम जातिवाचक संज्ञा। ध्यान रखना है, जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे हम जातिवाचक संज्ञा मतलब पर्टिकुलर, उन्होंने बताया कि भैया जातिवाचक संज्ञा, जिन्होंने कहा भाई, माँ, डॉक्टर, या उन्होंने कहा पशु को लेकर कहा है तो उन्होंने कहा पशु, घोड़ा, हिरण, या किसी वस्तु को लेकर कहा तो क्या मकान, या उन्होंने और किसी चीज को कह दिया, प्राकृतिक चीजों में ले ले तो जैसे बिजली कहा, वर्षा कहा, यानी कुर्सी कहा, मेज कहा, इस प्रकार से, क्योंकि ये एक ही प्रकार की अनेक चीजें हो सकती है। जैसे देखो घर, बहुत सारे घर हो सकते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं हम जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा के बाद देखेंगे हम दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आपको ध्यान रखना है कि जिन संज्ञा शब्दों में किसी एक ही वस्तु, व्यक्ति या स्थान आदि का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब पर्टिकुलर, यदि किसी एक आदमी का नाम उसमें लिया जा रहा है, जैसे उन्होंने कहा राम, तो राम एक पर्टिकुलर आदमी है ना। कृष्ण एक पर्टिकुलर कोई आदमी है। महात्मा बुद्ध पर्टिकुलर आदमी है। फल जैसे आम, अमरूद, सेब, संतरा, रामायण, रामचरितमानस, ये सब क्या है दोस्तों, चाहे फल का नाम ले लें या किसी मनुष्य का नाम ले लें या आप किसी ग्रंथ का नाम ले लें, किसी पर्टिकुलर आदमी का नाम आ जाता है उधर, हम बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, मतलब उसी आदमी के लिए डायरेक्ट वो टारगेट कर रहा है, ठीक है। अब बात करेंगे हम भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा का मतलब मैं आपको बता दूं कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, इस बात को ध्यान से रखना, जिन संज्ञा शब्दों में किसी व्यक्ति के गुण, दशा या व्यापार का बोध होता है, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब भाववाचक संज्ञा को कैसे समझेंगे, जैसे उन्होंने कहा यार कि एक लड़की है वो बहुत सुंदर है, तो वो सुंदर लड़की है मतलब उसका भाव है, लड़की सुंदर है मतलब उसका गुण है ना, लड़की अच्छी है मतलब उसका एक गुण है ना। तो ये क्या हो गई, मतलब किसी चीज में उसका भाव व्यक्त हो रहा है, उसको कहते हैं हम भाववाचक संज्ञा। जैसे उन्होंने कहा यार जवानी, जवानी एक भाव है, बचपन, बुढ़ापा, ये भाव है, तो ये उसका एक गुण है ना। तो ध्यान रखना, भाववाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिसमें किसी गुण, दशा या व्यापार का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। अब बात करेंगे दोस्तों हम समूहवाचक संज्ञा। अब समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा समूह से ही समझ में आ रहा है कि जहां किसी चीज का समूह हो, है ना,
यानी जिन संज्ञा शब्दों में एक ही जाति की या एक ही जाति की वस्तुओं का बोध होता है या समूह का बोध होता है उसे क्या कहते हैं हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब समूह मतलब किसी का भी समूह हो सकता है, एक आर्मी का भी समूह हो सकता है, एक जानवरों का भी समूह हो सकता है, आदमियों का भी समूह हो सकता है, उस प्रकार के समूह को हम जैसे क्या कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। जैसे उन्होंने कहा सेना, सेना का समूह, या उन्होंने कहा आदमियों का समूह, इस प्रकार के जो समूह होते हैं दोस्तों उसको कहते हैं हम समूहवाचक संज्ञा। दोस्तों मैं इधर आपको ज्यादा थ्योरी ना पढ़ाते हुए ना लिखाते हुए सिर्फ आपको समझा रहा हूं कि एक बार यदि आपको ये चीज समझ में आ जाए तो आपके दिमाग में बैठ जाएगी, ठीक है। तो ये बात कर ली हमने समूहवाचक की। अब बात करेंगे हम द्रव्यवाचक संज्ञा। अब द्रव्य मतलब आप समझ रहे हैं, द्रव्य मतलब क्या है, कोई भी चीज या तो ठोस हो या पिघली हुई हो, है ना। तो ध्यान रखना जिन संज्ञा शब्दों में किसी ऐसे पदार्थ या तो वो द्रव्य हो या वो ठोस हो, लेकिन उसकी कंडीशन है ऐसे द्रव्य या ऐसे पदार्थ जो ना तो सिर्फ नापे और तौले जा सकते हैं, जैसे तेल, पानी, ये हम क्या कर सकते हो, नाप सकते हैं, है ना, लेकिन उनको गिना नहीं जा सकता। लोहा ठोस तो होता है लेकिन लोहे को हम गिन नहीं सकते, है ना, या तो तौल सकते हैं। पानी को हम क्या करते हैं उसको हम कंटिन्यू गिन तो सकते नहीं, उसको सिर्फ माप सकते हैं। तो जैसे ठोस या द्रव्य वस्तुएं जिनको हम सिर्फ माप और तौल सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे चांदी क्या है, ठोस है। लोहा, तांबा, अब धातु जैसे द्रव्य में ले लो दूध, पानी, तेल आदि, ठीक है। तो आपको दोस्तों इन शब्द को समझना है। द्रव्य मतलब जो चीजें तो लिक्विड है या सॉलिड है, समूह मतलब एक कलेक्शन, भाव मतलब उनका एक गुण, व्यक्ति मतलब पर्टिकुलर आदमी, और जाति वाचक यानी उसकी पर्टिकुलर, उसको इंगित कर रहा है कि इस जाति का है, उस जाति वाचक संज्ञा उसे हम कहेंगे, ठीक है। तो ये तो कर लिए अब हमने जाति वाचक संज्ञा, मतलब पूरी संज्ञा के बारे में बात। तो ध्यान करना है कि ये मैंने आपको देखो इधर पे कोई थ्योरी नहीं बताई, कोई कुछ नहीं बताया है, आपको आसानी से समझाने की कोशिश की। और आपको यदि इस प्रकार से कोई डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट जरूर करना। अब हम बात करते हैं संज्ञा के बाद सर्वनाम की, है ना। तो संज्ञा के बाद सर्वनाम की बात करेंगे दोस्तों। तो सर्वनाम देखिएगा किसे कहते हैं। सबसे पहले हम सर्वनाम की डेफिनेशन देखेंगे कि संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। ध्यान रखना, संज्ञा के स्थान पर, यानी पहले हमने संज्ञा पढ़ा, अब संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे इधर पर राजीव देर से घर पहुंचा क्योंकि उसकी ट्रेन देर से चली थी। अब इधर पे क्या काम किया दोस्तों इन लोगों ने, समझना, उसकी, अब उसकी क्या हो गया सर्वनाम और राजीव क्या हो गया संज्ञा। तो ये जो संज्ञा है मतलब उसकी किसके लिए इधर पे लगाया गया, राजीव के लिए लगाया गया। तो आपको ध्यान देना है, क्या कहना है कि संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। अब इन्होंने सीधी सी बात देखो क्लियर हो जाएगी कि उसकी यानी इधर पे इस प्रकार बात में जो मैंने लिखा है उसकी का प्रयोग किसके लिए किया गया, राजीव के लिए किया गया। क्योंकि उसकी शब्द क्या है, सर्वनाम है, और राजीव क्या है, संज्ञा है, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए अब आगे देखेंगे, आपको सर्वनामों की संख्या ध्यान रखना है कि 11 होती है, ठीक है। सर्वनामों की संख्या हिंदी में 11 होती है, लेकिन मुख्यतः हम 6 पढ़ते हैं, ठीक है। मुख्यतः हम 6 सर्वनाम पढ़ते हैं। पहला सर्वनाम होता है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम यानी कोई भी मनुष्य, मतलब जो पुल्लिंग में आते हैं, है ना, उसको बोलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम पहला तो होता है उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष, और तीसरा होता है अन्य पुरुष। अब उत्तम पुरुष किसे कहते हैं इसको देखिएगा, उत्तम पुरुष हम किसे कहते हैं इसको ध्यान से देखना आप। उत्तम पुरुष यानी कहना के मतलब यह है कि लेखक जिन सर्वनामों का प्रयोग अपने लिए करता है, यानी कोई भी लेखक, सपोज या तो आप लेखक हैं या मैं लेखक हूं, और मैंने कहा कि मैं ये पुस्तक पढ़ता हूं, मतलब मैंने अपने लिए किया, समझना, मैं जिसमें मैं शब्द आ जाता है, उसने कहा है कि यदि
लेखक जिन सर्वनामों का प्रयोग अपने लिए करता है उसे क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैंने कहा मैं पढ़ता हूं, मतलब मैं पढ़ता हूं, मैं खाता हूं, मतलब मैं अपने लिए बात कर रहा हूं ना, तो वो हो गया उत्तम पुरुष। ठीक है, अब मध्यम पुरुष की बात करेंगे तो कहेंगे लेखक जिससे अपनी बात करता है उसके लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनामों को मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे यहां मतलब आपको ध्यान रखना है, उत्तम पुरुष में मतलब मैं वाली बात आ जाती, मतलब मैं खुद कर रहा हूं, मध्यम पुरुष में तुम वाली, यानी तुम अपना काम नहीं करते हो, मैं बोलूं तुम अपना काम नहीं करते हो, तुम खाना नहीं खाते हो, मतलब मैं सेकंड पर्सन के लिए कर रहा हूं। ठीक है, अन्य पुरुष मतलब अन्य पुरुष से लेखक या श्रोता या कोई पाठक से जिसके विषय में बात की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे हम रास्ते में कहीं जाते हैं, हमने कहा यार बे कौन खड़े हैं, बे कौन लोग हैं, वह कौन है ना, जहां मैं तुम और बे या वह की बात आ जाती है उसे हम कहते हैं अन्य पुरुष मतलब थर्ड पर्सन। ठीक है, तो ये बात कही हमने पुरुषवाचक सर्वनाम की। आपको पुरुषवाचक सर्वनाम मुझे भरोसा है कि समझ में आ गया होगा, यदि आपको नहीं समझ में आया तो मैं बार बार बोल रहा हूं, आप कमेंट मुझे जरूर करना और जरूर बताना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम निजवाचक सर्वनाम। अब होता है निजवाचक सर्वनाम, अब निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, लेखक अपने, यानी लेखक जहां अपने लिए आप या अपने आप शब्द को, अपने आप शब्द का प्रयोग करता है उसे हम क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम। जैसे मैं अपने आप कर लूंगा, मैं बोलूं मैं अपने आप लिख लूंगा, मैं अपने आप पढ़ लूंगा, यानी जो लेखक होता है वो खुद, निज निज मतलब होता है खुद, मतलब वो खुद के लिए बात कर रहा है कि मैं खाना खा लूंगा, मैं ये काम कर लूंगा, मैं पढ़ लूंगा। तो जहां इस प्रकार के शब्द आते हैं, जैसे मैं अपने आप काम कर लूंगा, मैं अपना काम कर लूंगा, उधर इस प्रकार के वाक्यों को हम कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम जहां क्वेश्चन किया जाता है ना, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, ध्यान रखना प्रश्न पूछने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैंने कहा यार तुम कहां रहते हो, तुम कहां जाते हो, या कौन शोर करता है, मतलब जहां प्रश्नवाचक जहां क्वेश्चन मार्क वाली बात आ जाती है उसे कहते हैं हम प्रश्नवाचक। ठीक है, अब बात करेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम ध्यान करना है, वाक्यों में संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध प्रदर्शित करने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे संबंध एक दूसरे का संबंध जो स्थापित कर, जैसे कहा जिसकी लाठी उसकी भैंस, अब लाठी और भैंस है ना, इधर पे जिसकी लाठी उसकी भैंस एक दूसरे का संबंध हो गया, तो इसे क्या कहा हमने संबंधवाचक सर्वनाम। जहां संबंध स्थापित करने की बात आती है उधर पे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है निजवाचक सर्वनाम। अब निजवाचक सर्वनाम की बात करेंगे तो जिन संज्ञा सर्वनाम यानी कि जिन सर्वनाम शब्दों में किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब निश्चयवाचक मतलब निश्चित, जहां निश्चित बात होती है उसे क्या कहते हैं हम निश्चयवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम के बाद हमने क्या देखा निजवाचक सर्वनाम, तो आपको निश्चयवाचक मतलब पर्टिकुलर, उसने कहा भैया कि यह उपयोगी साधन है, वह बहुत सुंदर है। जैसे कोई लड़की खड़ी, उसने कहा वह सुंदर है, वह लड़की बहुत सुंदर है। अब जब वह सुंदर है वो सामने से देख के ही बोल रहा है कि वो वह सुंदर है, मतलब वो निश्चित कर रहा है कि नहीं यार भैया वो सुंदर है। उसने कहा यार वो लड़की बहुत टैलेंटेड है, तो मतलब बहुत लड़की वो टैलेंटेड है, मतलब वो बता रहा है ना, वो निश्चय कर रहा है कि भैया वो है। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो उन्हें हम अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं बोलूं यार कोई आ रहा है, अब कोई आ रहा है फाइनल नहीं कि कौन आ रहा है, उन्होंने कहा अरविंद आ रहा है, अब अरविंद पता ही नहीं यार अरविंद आ रहा है यार कोई आ रहा है। अब यदि मैंने बोल दिया इधर पे कि यार जैसे किसी अपना दोस्त खड़ा था बोलते यार वो लड़की बड़ी अच्छी हो सकती है, यार अच्छी हो सकती है लेकिन है नहीं, और यदि उसने बोल दिया वो लड़की अच्छी है तो मतलब वो निश्चितवाचक सर्वनाम में चला जाएगा, और अनिश्चित मतलब हो सकती, जहां सकती आ गया मतलब हो सकती है, तो ये हो गया अनिश्चितवाचक सर्वनाम। तो दोस्तों हम एक बार इसको बेहतरीन तरीके से फिर से एक बार थोड़ा हल्का सा एक रिवीजन कर लें। हमने संज्ञा पढ़ा, उस संज्ञा के हमने कौन कौन से पांच भेद पढ़े, संज्ञा के हमने पांच भेद पढ़े। पहला भेद था जातिवाचक संज्ञा, दूसरा था हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा,
तीसरा था हमारा भाववाचक संज्ञा और चौथा था हमारा समूहवाचक संज्ञा और पांचवा था हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। ये हमने पांचों संज्ञाएं पढ़ी। अब हमने आपको बता दूं जातिवाचक मतलब पर्टिकुलर जाति से रिलेटेड है, व्यक्तिवाचक मतलब व्यक्ति से रिलेटेड है, और भाववाचक मतलब उसके गुणों से रिलेटेड है, और समूह मतलब उसके किसी भी समूह से रिलेटेड है, और द्रव्य मतलब ठोस या कोई भी तरल पदार्थों से रिलेटेड है। ठीक है, अब सर्वनाम को एक बार रिपीट कर ले। सर्वनाम को पढ़ाया, सर्वनाम हमने छह प्रकार के पढ़े, बेसिकली छह प्रकार के पढ़े जाते हैं, होते ग्यारह प्रकार के, इस बात को ध्यान रखना है। पहला पढ़ा हमने पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा पढ़ा निजवाचक, पुरुष मतलब पुरुष से, निजवाचक मतलब निश्चय, प्रश्नवाचक यानी क्वेश्चन वाला, संबंधवाचक यानी संबंध वाला, निश्चयवाचक यानी 100% सत्यता वाला, और अनिश्चयवाचक यानी निश्चित नहीं है वो चीज। ठीक है, तो दोस्तों ये हमने संज्ञा और सर्वनाम पढ़ लिया, और इसमें आपको यदि कोई उदाहरण समझ में नहीं आता, कोई कुछ चीज समझ में नहीं आती, तो मुझे कमेंट करना, मैं जरूर आपकी हेल्प करूंगा। और दोस्तों मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकोन का साइन आता है, तो दोस्तों उस बेल आइकोन के साइन पर जरूर क्लिक करना, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहेंगे, क्योंकि मैं कंटिन्यू बहुत तैयारी कराने वाला हूं आपके लिए, शिक्षक भर्ती की, खासकर यूपी पुलिस के लिए और एमपी पुलिस के लिए, तो आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो मिलते रहेंगे।